एक शेर सुन लीजिए, आपके जिंदगी का दर्द है दरिया दिली थामे हुए, जिंदगी का दर्द है दरिया दिली थामे हुए, मुफलिसी है दामने शाहनशाही थामे हुए। असल में हम उस दौर में सांस ले रहे हैं, हालांकि कभी कभी जलसों में बहुत दिल पे पत्थर रख के शेर सुनाना पड़ता है और अपने आप को हलाल करना पड़ता है। नहीं, शेर पत्थर रख के इसलिए सुनाना पड़ता है कि हम उस दौर में सांस ले रहे हैं जिस दौर में बच्चे गुसलखाना नहीं बोलते हैं, बाथरूम बोलते हैं, बावर्ची खाना नहीं बोलते हैं, किचन बोलते हैं, मेहमान खाना नहीं बोलते हैं, गेस्ट रूम बोलते हैं, आरामगाह नहीं बोलते हैं, बेडरूम बोलते हैं, अम्मी नहीं बोलते हैं, मम्मी बोलते हैं, अब्बू नहीं बोलते हैं, डैडी बोलते हैं, सैयद अलवी खान मुगल और अंसारी हो जाते हैं, जो होते हैं अम्मी अब्बू बच्चे वही हो जाते हैं। हम उस दौर में सांस ले रहे हैं जिस दौर में हेना को हल्दी पे फौकियत दी जा रही है, जिस तरह से पुल के लिए सुतून, इश्क के लिए जुनून और कुर्बानी के लिए खून की जरूरत पड़ती है, उसी तरह से शायरी में तारीख बनाने के लिए किसी मर्द कलंदर की जरूरत होती है। लेकिन मुसीबत यह है कि हम उस दौर में सांस ले रहे हैं जिस दौर में आवाज किसी की होती है, बोलता कोई और है, फिक्र किसी की होती है, सोचता कोई और है, तहकीक किसी की होती है, लिखता कोई और है। ये एक बहुत लंबी कहानी है और इस लंबी कहानी को हम यहाँ बयान नहीं करना चाहते हैं, इसलिए कि हम देख रहे हैं कि बहुत संजीदगी के साथ आप बैठे हुए हैं और जिंदगी के साथ सुन रहे हैं, तो दो से तीन शेर सुन लीजिए। ऐसा नहीं कि सब उलमाए किराम यहाँ खामोश बैठे हुए हैं, जो लोग खामोश भी बैठे हुए हैं पूरी तवज्जो के साथ बैठे हुए हैं और पूरी तवज्जो के साथ सुन भी रहे हैं, बहुत बावकार आलिम दीन यहाँ जलवा अल्लामा रोशन जमीर साहब कबला, हजरत अल्लामा मौलाना तहसीन साहब कबला, ये सब लोग बैठे हुए हैं, अल्लामा अशरफ साहब कबला। एक शेर सुन लीजिए कि जिंदगी का दर्द है दरिया दिली थामे हुए, जिंदगी का दर्द है दरिया दिली थामे हुए, मुफलिसी है दामने शाहनशाही थामे हुए, जिंदगी का दर्द है दरिया दिली थामे हुए, मुफलिसी है दामने शाहनशाही थामे हुए, और शहर की रंगीनियों में खो गए होशियार सब, और दीवाने हैं तैबा की गली थामे हुए, शहर की रंगीनियों में खो गए होशियार सब, शहर की रंगीनियों में खो गए होशियार सब। हमको मालूम है अच्छे शेर पे आप बोल ही नहीं सकते हैं, सवाल ही नहीं है, नहीं बोल पाइएगा। अच्छे शेर पे बोलना कोई आसान काम नहीं है, अच्छे शेर पे बोलना कोई आसान काम नहीं है। शायरी तो ऐसी हो रही है, हम तुमने चाय दी मैंने पी ही, ये शायरी सुन के आपको आदत हो गई है, हैं? कहां से बोलिएगा, वो समझ रहा है, एक ही समझदार बैठा हुआ है और एक ही मेरे लिए काफी है, माशाल्लाह। आखिरी शेर मुझे सुनाना है, सुनिए। जिंदगी का दर्द है, अभी नहीं भी समझिए फिर भी बोलिए ना, समझना कोई जरूरी है बेटा। कभी कभी हम खुद शेर लिखते हैं, 15 दिन के बाद हम समझते हैं, समझने के चक्कर में काहे पड़े हुए हैं आप, जरा मोहब्बत के साथ अपने हाथों को उठाकर बोल दे सुभान अल्लाह। जो नहीं समझ रहा है जोर से बोले, ताकि जो सामने आपके बैठा हुआ है वो ये समझे कि ये समझ रहा है। आप समझते नहीं है, सुनिए आखिरी शेर, यहां से लेकर वहां तक सब लोग बेदार हो जाए। खाना खाए ना आप लोगों ने, नहीं खाया है तो घबराने की बात नहीं, रियाज भाई ने लंगर बचा के रखा है। अभी अब तो ऐसा शायर आएगा मेरे भाई जो रांची से आया हुआ है, यही आपको ठीक कर सकेगा। झारखंड और बिहार को पहले पहले तो हम भी बिहार ही में थे, झारखंड भी पहले बिहार ही में था, है कि नहीं? बिहार भी झारखंड था, झारखंड भी बिहार था, लेकिन पता नहीं हम लोगों से क्या गलती हुई कि आप लोगों ने मुझको, हम लोगों को निकाल के बाहर फेंक दिया, है कि नहीं? बिहार से निकाल कर आप लोगों ने अलग कर दिया, तो झारखंड मजबूरी में हम लोगों को बनाना पड़ा। वो तो बना लिया हम लोग, ठीक किए, मगर परेशानी यह है कि झारखंड और बिहार को मिलाकर एक ही पागल खाना था जो हमारे हिस्से में आ गया है, और उसी शहर से जनाबे अमजद रजा राजवी आए हुए हैं, उसी शहर से आए हुए हैं, यही आपको ठीक कर सकेंगे। आखिरी शेर सुनिए, वही सुभान अल्लाह बोलेगा जिसको गरीब नवाज से सच्ची मोहब्बत है। अगर आपको मोहब्बत है जरा हाथों को उठाकर बोले सुभान अल्लाह। गरीब नवाज का जलसा मनाकर, गरीब नवाज का लंगर खाकर, गरीब नवाज के नाम पर आप सब कुछ लुटाकर गरीब नवाज का फैज हासिल नहीं कर सकते हैं जब तक गरीब नवाज के बताए हुए रास्ते पर आप चलेंगे नहीं।
ये सुन लीजिए, चाहे लाख जलसा कीजिए, लाख कॉन्फ्रेंसें कीजिए, लाख उर्स मनाइए गरीब नवाज का, मगर गरीब नवाज के फैज से आप उस वक्त तक कामयाब माला माल नहीं हो सकते हैं जब तक गरीब नवाज के बताए हुए रास्ते पर आप चले नहीं। इसलिए कोशिश कीजिए कि गरीब नवाज के मिशन को आम कीजिए। आप आखिरी शेर सुनिए, जो समझदार लोग बैठे हुए हैं जरा अपने हाथों को उठाकर बोल दें सुभान अल्लाह। ये समझदार लोग थे। अब जो गरीब नवाज के आशिक हैं जरा एक बार गरीब नवाज के आशिक अपने हाथों को उठाकर बोल दें सुभान अल्लाह। रियाज भाई आखिरी शेर सुन लीजिए, कि जिंदगी का दर्द है दरिया दिली थामे हुए, मुफलिसी है दामने शाहनशाही थामे हुए, और शहर की रंगीनियों में खो गए होशियार सब और दीवाने हैं, तैबा की गली थामे हुए, गिर के मर जाओगे तुम लेकिन गिरा सकते नहीं, मेरे ख्वाजा की विलायत है अली थामे हुए। लेकिन गिरा सकते नहीं, मेरे ख्वाजा की विलायत है अली थामे हुए, मेरे ख्वाजा की विलायत है अली थामे हुए। दो लड़के नारा लगा रहे थे, वो लोग हैं कि इंतकाल कर गए हैं दोनों, माशाल्लाह। कहां कहां गए वो लोग, कहां गया भाई, कहां चला गया वो? अच्छा वो चला गया, माशाल्लाह। चलिए हम नारा लगाते हैं, आप जवाब दीजिए सब लोग। नारे तकबीर, जरा अपने हाथों को उठाएं, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, गरीब नवाज कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत ही ताजा कार मद्दाह रसूल शायर इस्लाम जनाबे अमजद रजा रांचवी, जो झारखंड का पाए तख्त है, झारखंड की राजधानी है, रांची की सरजमीन से जनाबे अमजद रजा रांचवी तशरीफ लाए हुए हैं। हम ये देखना चाहते हैं कि उनका लहजा, उनकी आवाज, उनका डिक्शन और उनका अंदाज आपको किस हद तक मुतासिर करता है। आइए हम ये चाहेंगे कि जिस शायर को और जिस मद्दाह रसूल को पूरा मुल्क अपनी पलकों पर रखता है, आप उनका इस्तकबाल किस तरह से करते हैं। देखिए आप पढ़े लिखे लोग हैं, आप बहुत जीनियस लोग हैं, दरभंगा कोई मामूली शहर नहीं है, बिहार का बहुत मायनाज शहर है, बिहार का बहुत ही इल्मी और फिक्री शहर है, यहाँ कुछ कहने की जरूरत नहीं है। कई हवाले से आपका शहर पूरे मुल्क में नहीं बल्कि मुल्क से बाहर भी मुमताज है। हम ये देखना चाहते हैं कि इस अच्छे शायर का इस्तकबाल आप किस तरह से करते हैं और किस अंदाज से करते हैं। मुझे एक नारे से अंदाजा लगाना है, जरा मोहब्बत के साथ एक बार और मेरी आवाज से आवाज मिला ले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शायर इस्लाम जनाबे अमजद रजा रांचवी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। जनाबे अमजद रजा रांचवी को सुनने के लिए आप भरपूर तरीके से बेदार हो जाएं और बहुत ही जिंदगी के साथ सुने, सुभान अल्लाह भी बोले, माशाल्लाह भी बोले और मोहब्बत के साथ उनका इस्तकबाल करें। तू ना हो तो तेरे शायर को, तू ना हो तो तेरे शायर को शायरी एक ख्वाब हो जाए, चार दिन गुफ्तगू ना हो तुझसे मेरी उर्दू खराब हो जाए।